Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video. तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट लेन पेपरव्यू के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि WWE को करनी चाहिए डेफिनेटली और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि WWE को नहीं करनी चाहिए। तो कमाल की वीडियो होने वाली है पूरी फास्ट लेन पेपरव्यू के बारे में, इसको देखना पूरे एंड तक। चैनल सब्सक्राइब कर लो और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टार्ट अप इस वीडियो को करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो फिर जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी पर और स्ट्रेट अवे हम चलते हैं हमारी पहली चीज के ऊपर। और ये जो पहली चीज है ये है बॉबी लैशले शुड अटैक ड्रू मैकइंटायर आफ्टर द मैच। मतलब भाई ये ऐसी चीज है जो कि होनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली बॉबी लैशले फास्ट लेन पेपरव्यू के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही उनका कोई मैच है ना ही वो कुछ और कर रहे हैं। तो बॉबी लैशले को कहीं ना कहीं आपको फास्ट लेन पेपरव्यू के अंदर लाना पड़ेगा। WWE चैंपियन है यार, कुछ तो वो करेंगे पेपरव्यू के अंदर, जो कि रेसलमेनिया से ठीक पहले पेपरव्यू है। तो वहां पर बॉबी लैशले फिलहाल शेड्यूल तो उनका कुछ भी नहीं है, बट ये एक ऐसी चीज है जिससे बॉबी लैशले आ सकते हैं फास्ट लेन पेपरव्यू के अंदर और वो होनी भी चाहिए। बिकॉज अगर आपको ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लैशले की फ्यूड को अच्छा बनाना है तो आई थिंक शीमस और ड्रू मैकइंटायर के मैच एंड होने के बाद बॉबी लैशले वहां पर आने चाहिए और उनको अटैक करना चाहिए ड्रू मैकइंटायर के ऊपर। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अटैक करे ड्रू मैकइंटायर के ऊपर और वहां पर शीमस कुछ करे, मतलब शीमस ड्रू मैकइंटायर को बचाएं कुछ ऐसा कर सकती है WWE। बट बॉबी लैशले को तो भाई ये चीज जरूर करनी चाहिए, उनको आकर अटैक करना चाहिए ड्रू मैकइंटायर के ऊपर। और ये हमारी पहली चीज है। चलते हम हमारी दूसरी चीज के ऊपर। दूसरी चीज है साशा बैंक और बियांका ब्लेयर के बीच में फ्यूड अब स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब यार बहुत ही हो चुकी है फ्रेंडशिप वगैरह, रेसलमेनिया सिर्फ 3 हफ्ते दूर है। तो आई थिंक फास्टलेन एक ऐसा पेपर व्यू है जहां पर अब तो हो जानी चाहिए इनकी दुश्मनी। बिकॉज अब दोनों यार मतलब दोस्त बन के जाएंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि रूमर्स ये भी आ रही थी कि शायद दोनों को टैग टीम चैंपियनशिप अगर जिता दे WWE और उसके बाद इन दोनों का मैच कराए। तो आई थिंक अगर ये करती है तो मुझे पर्सनली इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ कराती WWE तो शायद बियांका ब्लेयर नहीं बल्कि वहां पर अगर बेली होती तो तब इस चीज को देखने में मजा आता, बिकॉज दोनों की फ्रेंडशिप असली वाली है तो इसलिए उसमें ज्यादा कनेक्शन हमारा बनता। पर ये वाली चीज में आई डोंट थिंक टैग टीम चैंपियनशिप आनी चाहिए, मुझे लगता है दोनों की दुश्मनी होनी चाहिए यार। मतलब रेसलमेनिया में बड़ा मैच है आपका, वुमेन्स टाइटल के लिए आपको मैच मिल रहा है, तो आई थिंक अच्छी खासी फ्यूड इन दोनों की होनी चाहिए और समय बहुत कम है रेसलमेनिया को। तो आई थिंक फास्ट लेन पेपरव्यू के अंदर मैच में कुछ भी हो बट मैच एंड होने के बाद इन दोनों की फ्यूड जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। कोई भी अटैक करे किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आई थिंक फ्यूड स्टार्ट हो जानी चाहिए फास्ट लेन पेपरव्यू के अंदर। चलते हम हमारी अगली चीज के ऊपर। और अगली जो चीज है वो है कि सेथ रॉलिंस को अपना मैच जीतना चाहिए शिंसुके नाकामुरा के अगेंस्ट। अब यहां पर हमने देखा किस तरीके से शिंसुके नाकामुरा आते हैं स्मैकडाउन के ऊपर और वहां पर वो अटैक वगैरह करते हैं रॉलिंस के ऊपर, ठीक है। मतलब मुझे ये चीज थोड़ी सी मतलब काफी ऐसा लग रहा है कि काफी बार हम ये चीज देख रहे हैं कि भाई कोई बंदा आ रहा है सेथ रॉलिंस को धोकर चले जाता है, या तो वो बंदा आकर अपना फिनिशिंग मूव लगा देता है या फिर वो लगाने वाला होता है और रॉलिंस वहां से भाग जाता है। तो भाई ये आई थिंक पिछले एक साल से काफी ज्यादा हम देख रहे हैं, ठीक है। चलो वो WWE को एक मैच बनाना था, WWE ने कर दिया, इट्स ओके। बट आई थिंक मैच के अंदर कहीं से भी नाकामुरा नहीं जीतने चाहिए। मतलब शायद ऐसा WWE कर सकती है कि सेजारो आ जाए और वो जितवा दे नाकामुरा को, तो अगर ये होता है तो भाई बहुत खराब डिसीजन होगा कहीं ना कहीं से। इस अगर फ्यूड को WWE को और अच्छा बनाना है तो यार रॉलिंस को ये जीत जो है वो देनी चाहिए। अब रॉलिंस को ये मैच जीतना तो चाहिए बट आई थिंक सेजारो को भी इस मैच में इंटरफेयर करना बनता है। वो कहीं ना कहीं इस मैच के अंदर आए, इंटरफेयर करें, कुछ भी करें, मतलब मैच के बाद वो अटैक करें, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि शायद रॉलिंस इस मैच को जीते और उसके बाद भी वो नाकामुरा के ऊपर अटैक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो और उसके बाद सेजारो वहां पर आ जाए। तो ये अगर WWE कराती है तो ये अच्छा रहेगा, बट रॉलिंस इस मैच में नहीं आने चाहिए और सेजारो इस मैच में इंटरफेयर करनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो कि होनी चाहिए। चलते हैं हमारी अगली चीज के ऊपर। अगली चीज है कि अपोलो क्रू को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दे देनी चाहिए। अब आई नो काफी लोगों को ये चीज सही नहीं लगेगी बिकॉज बिगी की काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और उनको टाइटल रेन आई थिंक मुझे लगता है कि मिल गया है ठीक ठाक। और मुझे लगता है बिगी के लिए अब यहाँ पर से बड़े प्लान्स होने चाहिए। रेसलमेनिया के बाद उनको यू नो यूनिवर्सल चैंपियनशिप पिक्चर वगैरह में डालना चाहिए, मैच मिलना चाहिए उन्हें रोमन रेंस के अगेंस्ट या फिर जो भी चैंपियन होगा उस वक्त उसके अगेंस्ट मिलना चाहिए। भले ही वो चैंपियनशिप ना जीते बट आई थिंक पिक्चर में वो आ सकते हैं। यहाँ से मुझे लगता है आई थिंक अपोलो क्रू डिजर्व करते हैं IC चैंपियनशिप और आई थिंक वो जीतेंगे भी। फास्ट लेन पेपरव्यू के अंदर अगर नहीं बनेंगे तो फिर वो रेसलमेनिया के अंदर बन जाएंगे, बट मुझे लगता है आई थिंक फास्ट लेन पेपरव्यू के अंदर उनको दे देनी चाहिए चैंपियनशिप, बिकॉज यहाँ से बिगी उनको बिग एंडिंग लगाएंगे और क्लीन हराएंगे, ऐसा मुझे दिख तो नहीं रहा है कहीं से भी होता हुआ। तो आई थिंक चांसेस उन्हीं के हैं। तो मुझे लगता है अपोलो क्रू इस मैच को जीतने चाहिए, वो बनने चाहिए नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बिगी के लिए और बड़े प्लान होने चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप से बड़े। रेसलमेनिया में WWE यही मैच रिपीट कर सकती है वैसे तो, क्योंकि और तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है जिसके साथ उनका मैच हो सकता है, बट फिलहाल ये एक ऐसी चीज है जो कि होनी चाहिए इस फास्ट लेन पेपरव्यू के अंदर। चलते हैं अगली चीज के ऊपर। और अगली जो चीज है ये है फिंड की रिटर्न। भाई मतलब इस फास्ट लेन पेपरव्यू के अंदर बाकी जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ या आगे बताऊंगा, ये हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा इतना, पर ये एक ऐसी चीज है जो कि होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। रैंडी ऑर्टन एलेक्सा ब्लिस के मैच में कुछ भी हो, कोई भी किसी को आग लगाए, कुछ भी करे भाई, पर एंड में हमें फिंड की रिटर्न चाहिए ही चाहिए है, नहीं तो मजा पूरा खराब हो जाएगा फास्ट लेन पेपरव्यू का। बिकॉज एक्सपेक्ट सब यही कर रहे हैं, 100% एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं लोग कि भाई ये तो होने ही होने वाला है, और अगर नहीं
नहीं होगा ना तो भाई सही बता रहा हूँ, बहुत ही बवाल मच जाएगा फैंस की तरफ से। तो ये फीड की रिटर्न एक ऐसी चीज है जो कि हर हालत में होनी चाहिए फास्ट लेन पेपर व्यू के अंदर। अगली जो चीज है ये है मुस्तफा अली शुड विन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अब रिडल ऐसा नहीं है कि रिडल खराब रेसलर है, रेसलर काफी कमाल के हैं, बट लाइक आई सेड मतलब मैंने प्रिडिक्शन की वीडियो में ये चीज बोली थी कि भाई मैथ रिडल का मुझे गिमिक पसंद नहीं आता है, उनका कैरेक्टर मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है। रेसलर वो काफी कमाल के हैं, कुछ और गिमिक उनको मिलेगा तो काफी कमाल वो करेंगे। मुस्तफा अली आई थिंक ज्यादा बेटर लगते हैं, बेटर उनको गिमिक मिला हुआ है, तो आई थिंक मुस्तफा अली को यूएस चैंपियनशिप मिलनी चाहिए। रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई दे सकती है, बट आई थिंक उनको अभी दे देनी चाहिए फास्ट लेन पेपर व्यू के अंदर, और उनका मैच किसी और के साथ होना चाहिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, अगर करंट रोस्टर में कोई ना हो, जो कि क्योंकि सबके मैचेस ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं रेसलमेनिया के लिए। तो अगर कोई रेसलर नहीं है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी से ला सकती है किसी को, वहां पर करा सकती है मुस्तफा अली का मैच उनके अगेंस्ट। कीथली वगैरह दिख नहीं रहे हैं तो शायद वो आ जाए उनके साथ मैच करवा दे डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो ठीक है मैच उनका किसी के अगेंस्ट भी कराए या फिर मैथ रिडल के साथ रीमैच करवा दो, बट आई थिंक फास्ट लेन पेपर व्यू के अंदर यूएस चैंपियनशिप जीतनी चाहिए मुस्तफा अली को। चलते हमारी आखिरी दो चीजों के ऊपर। अब आखिरी दो चीजें जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इसीलिए मैं दोनों को एक साथ ही बताऊंगा। तो उनमें से पहली चीज है वो है कि डैनियल ब्रैन को भाई क्लीन लॉस तो मत ही देना, मतलब रोमन रेंस के अगेंस्ट डैनियल ब्रैन का मैच है। अब अगर इसमें सबसे खराब चीज क्या हो सकती है, सबसे खराब चीज इस मैच में ये हो सकती है कि डैनियल ब्रैन अगर क्लीन हारते हैं इस मैच में। अब जिस तरीके से डैनियल ब्रैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले कुछ हफ्तों से दिखाया है ना भाई, उसके बाद अगर उनकी क्लीन लॉस होती है ना तो जो भी कुछ उन्होंने इतना कुछ बोला है प्रोमोस के अंदर सब आई थिंक वेस्ट चले जाएगा। तो आई थिंक वो क्लीन तो नहीं हारने चाहिए, भले ही वो हारने चाहिए बट क्लीन नहीं हारने चाहिए कहीं से भी, नहीं तो आई थिंक उनके कैरेक्टर के लिए काफी खराब चीज रहेगी, बिकॉज डैनियल ब्रैन को भाई पसंद बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो इसीलिए उनको लोग हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं क्लीन रोमन रेंस से या फिर किसी के भी अगेंस्ट, खासकर जब रेसलमेनिया इतनी क्लोज हो। अब आखिरी जो चीज है वो इसी से कनेक्टेड है, वो है कि भाई डैनियल ब्रैन को रेसलमेनिया के अंदर ट्रिपल थ्रेड मैच मिलना चाहिए। अब आई नो काफी लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम होगी, एज वर्सेस रोमन रेंस का मैच वन ऑन वन लोग देखना चाहते हैं, बट आई थिंक जिस तरीके से डैनियल ब्रैन को पिछले कुछ हफ्तों से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया है, उसके बाद अगर आप डैनियल ब्रैन को साइड कर दोगे तो दो चीजों से नुकसान है। पहला तो डैनियल ब्रैन के लिए आप एकदम से ओपोनेंट नहीं ढूंढ पाओगे अच्छा खासा, बिकॉज सबके मैचेस ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं, और अगर आप एंड में किसी के साथ उनका रैंडम मैच कराओगे तो आई थिंक डैनियल ब्रैन इतना बड़ा नाम है, मतलब एक रेसलमेनिया आपने उस अकेले बंदे के नाम पे सेल करी है, तो उस हिसाब से आई थिंक उनको उस हिसाब से मैच नहीं मिल पाएगा, तो उनको ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर होना चाहिए। और दूसरा रीजन ये भी है कि अब एज और रोमन रेंस की फ्यूड आप इतनी अच्छी नहीं बना पाओगे, बिकॉज पिछले कुछ हफ्तों से आप इन तीनों के बीच में करा रहे हो जो भी करा रहे हो, तो इसलिए अब इन तीनों में से किसी एक को निकाल दोगे ना तो वो फ्यूड के अंदर थोड़ा सा ना मतलब अजीब सा लगेगा आपको, कि मतलब पहले तीन बंदे भिड़ रहे थे आपस में, अब उन तीनों में से एक साइड हो गया और इन दोनों के बीच में मतलब फाइट वगैरह चल रही है, तो आई थिंक इतना मजा नहीं आएगा। और सही बताऊं तो इन दोनों की जो फ्यूड है रोमन रेंस और एज की, ऐसा मुझे लगता नहीं है कहीं से भी कि डैनियल ब्रैन जैसा रेसलर अगर इन दोनों के मैच के अंदर ऐड होता है तो इनका मैच खराब हो जाएगा, इनफैक्ट मुझे लगता है इनका मैच और बेटर हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों अच्छे रेसलर्स है वैसे तो, बट आई थिंक डैनियल ब्रैन की जो लेवल है ना वो अलग ही लेवल है, और आई थिंक डैनियल ब्रैन इस मैच के अंदर अगर ऐड होंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर ये मैच होगा। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ हफ्तों की स्मैकडाउन उठा के देखोगे तो आपको मजा आ रहा होगा इन तीनों की स्टोरी लाइन देखने में, एक्चुअली में वो इसीलिए मजा आ रहा है बिकॉज भाई डैनियल ब्रैन उस लेवल के सुपरस्टार है। अगर कोई और होता डैनियल ब्रैन की जगह तो मैं बोलता कि नहीं भाई वन ऑन वन होना चाहिए, बट आई थिंक डैनियल ब्रैन ने जिस तरीके से इस स्टोरी लाइन के अंदर एडजस्ट किया, मतलब जिस हिसाब से उस स्टोरी लाइन के अंदर घुसे हैं ना भाई, पता भी नहीं लगा है कि कब इस स्टोरी लाइन के अंदर घुसे हैं, और अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई डैनियल ब्रैन भी इस स्टोरी लाइन के अंदर पहले से ही थे, बट ऐसा नहीं था, बट वो घुसे इस तरीके से है कि आपको अब लग रहा होगा ऐसा, तो इसी हिसाब से उन्होंने अपनी जो कैरेक्टर है वो इस हिसाब से इस स्टोरी लाइन के अंदर घुसाया है। और आई थिंक डैनियल ब्रैन को वेस्ट नहीं करना चाहिए रेसलमेनिया 37 के अंदर। आई डोंट नो कब वो उनका जो करियर है वो एंड होने वाला है, पार्ट टाइमर कब वो बनने वाले हैं, अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी तरीके से उनको ऐड कर सकते हैं या फिर उनको चैंपियनशिप देनी है तो वो भी दे सकते हो, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज रोमन रेंस पे ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से चैंपियनशिप, बट शायद एंडिंग कुछ ऐसी कर दें जिस वजह से डैनियल ब्रैन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस रेसलमेनिया वाले मैच के अंदर ऐड कर सके। तो ये आखिरी चीज है जो कि होनी चाहिए, और यही सब था इस वीडियो के अंदर गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके मुझे बताओ आपको कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप चाहते हो कि होनी चाहिए इन लिस्ट के अंदर, अगर कोई है तो भी बताओ, नहीं है इस लिस्ट के अंदर तो भी आप बता सकते हो। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंडी, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड लाइक आई ऑलवेज से जस्ट कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स। It's so cool.